ये हम हैं। हाँ। आ गई सॉरी। ये हम हैं। हाय हाय। और ये प्रतिज्ञा है और यहाँ हमारी अरे जल्दी आओ ना यार, प्रतिज्ञा जब से आई हो मुझसे कह रही है मुझे जाना, मेरी शूटिंग रुकी पड़ी है। इतनी सिंसियर आर्टिस्ट की एक ईपी का किसी का फोन नहीं आया, मुझे जाना मेरी शूटिंग रुकी पड़ी है, जल्दी करो। ऐसा लगा सही है बेसिकली हम लोग सब विश करेंगे फोटोग्राफर के लिए, उनको वेलकम बुके देंगे और राजन जी की तरफ से सबकी तरफ से दादी जो लुक है राम जी के साथ। ऋषि जी आइए ना प्लीज, आइए ना। सर मैं आ गया। राजा बटला हटा दे, राजा साहब आ जाओ। हां ये सब मिल गया। आइए 1 2 3 लुक हियर। हम सब की तरफ से प्रतिज्ञा को वेलकम एंड बेस्ट विशेस एंड इंशाल्लाह मे राइज एंड राइज ऑफ दिस। प्रतिज्ञा देखना ना भूलिए स्टार भारत पर रात 8:30 बजे। स्टार भारत पर, भारत स्टार भारत पर, स्टार भारत पर याद रखिए 8:30 बजे 15 मार्च से भारत देखेगा। प्रतिज्ञा लीजिए कि सब देखेंगे प्रतिज्ञा स्टार भारत पे 8:30 बजे। नो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू द एंटायर ये रिश्ता टीम, ये फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन के लिए and the fact that DKP and Yerushka has planned to welcome us and our team in DKP family. Of course, Yerushka ek aisa show hai which it has become an iconic show in itself. It has created history. And we really, really wish and hope that your luck and the way you have achieved success rubs off on our show. तो आपकी विशेष बहुत मैटर करती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टुडे। यस मंडे टू फ्राइडे ऑन फ्रॉम 15th मार्च ऑन स्टार भारत 8:30 बजे देखना मत भूलिएगा। दादी वांट्स टू से समथिंग एंड ब्लेस द शो। या आई जस्ट वांट टू से ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई वांट टू से बेस्ट ऑफ लक यू इन दादी स्टाइल। लुक यार सामने 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 थ्री चेयर्स फॉर डीकेपी ये रिश्ता एंड प्रतिज्ञा टू इंटीग्रेशन हिप हिप हुरे हिप हुरे हिप हिप हुरे सरदार वांट्स टू से हिप हिप हुर। योर बेस्ट विशेस आई थिंक इट्स एन अमेजिंग थिंग फॉर सीजन 2 फुल पावर लाइक ऑलवेज। आप
जी फाइनल बहुत खुशी हो रही है कि मुझे इनके शो का छोटा सा ही सही बट हिस्सा बनने का मौका मिला. यू नो ये रिश्ता एक आइकॉनिक शो है. इट हैज क्रिएटेड हिस्ट्री इन अ लॉट ऑफ वेज. एंड जब हम वापसी कर रहे हैं इस शो के लिए तो एक ऐसे परिवार से एक ऐसे शो के साथ एसोसिएट होना जो इतनी सक्सेस हासिल कर चुका है उससे बेटर और क्या हो सकता है. एंड मुझे उनकी पूरी टीम से मिलने का मौका मिला, उनकी बधाइयाँ मिली है, उनकी विशेज मिली है. वी आर जस्ट वेरी हैप्पी एंड लकी टू बी हियर. ये पहला इंटीग्रेशन हुआ है इस शो और इनका और मैं उसका इतना पार्ट नहीं, उस सीन में मैं नहीं हूँ, बट आई रेड द सीन, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सीन दे हैव. होपफुली देयर विल बी मोर इंटरैक्शंस लाइक दिस, और ज़्यादा इंटीग्रेशंस होंगे और उसमें इंशाल्लाह हम सब पूरी फैमिली के पार्ट और इनकी पूरे कास्ट से हम मिल पाए और सबके साथ हम परफॉर्म कर पाए. बट राइट नाउ वी वेरी हैप्पी फॉर देम और इंशाल्लाह मंडे से शो शुरू होने वाला है. वी आर गोना वॉच इट एंड आई होप कि आप लोग भी देखें. उसके बारे में आपको मेरे सोशल मीडिया पे पता चल जाएगा. वैसे आपको पता चल ही चुका है, आप लोगों ने सबने शूट कर ही लिया है. सो अब कोई सरप्राइज नहीं रहा, बट एनीवे मज़ा आया. हमारे उस चैलेंज में आज एक नया मेंबर ऐड हुआ है. बहुत अच्छा लगा यार, आप लोग देखेंगे आपको पता चल जाएगा. या दैट वाज माय फर्स्ट पावरी चैलेंज. पावरी चैलेंज या वेरी लॉन्ग टाइम एंड इट हैड जस्ट स्टार्टेड बिफोर प्रतिज्ञा केम ऑन एयर. सो आई हैव हैड माई एसोसिएशन एंड आई हैव सीन दिस शो फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड टू वेयर इट इज़ टूडे एंड इट इज़ ऑन देयर शोल्डर्स एंड दे आर हेल्मिंग इट एंड दे हैव टेकन इट एंड केप्ट इट देयर जहाँ वो था. सो इट इज़ वंडरफुल टू हैव बीन अ पार्ट ऑफ एज प्रतिज्ञा इन प्रतिज्ञा वन जो हमारा एसोसिएशन था उस time and today again. So it is a wonderful experience and I always feel like this particular experience for me is life coming full circle after 9 years, 10 years. So yeah, it's kudos to you guys that you know jo aapne is show ka level banaye rakha hai and yeah, so it's good. आई हैव फुल फेथ दैट सेकेंड सीजन लोगों को बहुत 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 अच्छा लगेगा बिकॉज जब मैंने पहली बार सेकेंड सीजन की स्टोरी सुनी थी आई वॉज ब्लोन. आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ द शो बट क्योंकि इसकी स्टोरी आपने प्रोमोज भी देखे होंगे, क्योंकि इसकी स्टोरी इतनी फास्ट पेस्ड है और इतनी अमेजिंग है दैट मुझे हम सबको शूट करने में बहुत मज़ा आ रहा है एंड आई प्रोमिस यू दैट यू विल बी एट द एज ऑफ योर सीट. और ये जो सीजन है एसेंस पुराने शो का ही है लेकिन इट्स बिगर, बेटर, स्पाइसियर, मोर ड्रामा एंड ऑफकोर्स वी हैव ऑल द कैरेक्टर्स दैट यू लव. So yeah, we're back. And the promo is amazing. Oh, yeah, the promo is amazing. इस सीजन में आपके कैरेक्टर में क्या कुछ अलग दिखने वाला है? इस सीजन में ये किरदार जो है हमारी पूरी कहानी है वो 9 साल बाद की है. तो ऑफ कोर्स सभी कैरेक्टर्स बड़े हुए हैं 9 साल बाद. आप देख रहे हैं प्रतिज्ञा कृष्णा के अब छोटे छोटे बच्चे हैं दो. तो ऑफ कोर्स आज तक प्रतिज्ञा एक बेटी बहू पत्नी का की कैपेसिटी में आपने देखा था. अब एक माँ का किरदार भी जुड़ गया है और ऑफकोर्स वो एक प्रैक्टिसिंग पब्लिक प्रोसिक्यूटर है. तो वो दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो कैसे जगल करती है जैसे बहुत सारी हमारी सोसाइटी में औरतें जगल करती है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डायनामिक देखने को मिलेगा. ऑन एयर की बॉन्डिंग देखने को मिल ही रही है, सो ऑफ एयर की बॉन्डिंग आप तीनों की कैसी रही है जानना चाहेंगे?
तो पहली बार मिले हम पहले मिल चुके हैं, हम पहली बार मिले हैं और हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्कमस्टेंसेस मिले थे, आप जानते हैं, जान ही चुके हैं, जान ही चुके हैं, हम बता चुके हैं, बट इट्स नाइस। आई थिंक ये हमेशा पूछा जाता है कि एक्टर्स की बिहाइंड द सीन्स या ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग कैसी, इट्स ऑलवेज नाइस। आई थिंक वी डोंट हैव दैट इशू इन टीवी और अदरवाइज अमंग्स एक्टर्स, इट्स ऑलवेज वेरी नाइस एंड कॉर्डियल। जो आप रियल लाइफ में कैरेक्टर निभाते हैं वो रियल लाइफ में कितना इफेक्टिव होता है आप तीनों के लिए? स्लिंग लॉयर जी के लिए हमारा तो बहुत जनरल गाय है, माय कैरेक्टर्स ऑफ अ गाय हु जिसके फादर गोल्ड और डायमंड्स में काम कर चुके हैं और वो खुद का भी शुरू करता है, सो वो कैरेक्टर वैसा है। एज अ लॉयर हाउ डज इट अफेक्ट यू लाइक इन दैट जोन? यू नो फॉर मी प्रतिज्ञा कैरेक्टर का लॉयर तो अभी दैट हैज कम अप, बट okay, when I started Pratigya 1, I was really, really young and that sort of were my formative years. So, Pratigya ke kirdar ne mere apne niji kirdar ko ek shape diya hai aur aaj jo main hoon, usme Pratigya ki chhaap bahut dikhai degi aapko. To मुझ पे तो बहुत ही अच्छा असर हुआ है एंड आई एम दैट इज़ व्हाई आई कीप सेइंग दैट आई एम वेरी लकी कि मुझे ये किरदार प्ले करने को मिला तब और आज फिर से। ऑनेस्टली देयर वाज नो डिफिकल्टी बिकॉज ये कैरेक्टर मेरे रग रग में है। आई जस्ट हैड टू बी, इन फैक्ट जब एक्शन बोला था तो आई वॉज एक्चुअली जस्ट देयर, इट फेल्ट लाइक मसल मेमरी, पता ही लगा ही नहीं कि 9 साल हो गए इस शो को खत्म हुए। शेर है वो, शेर और शेर भले ही कितना भी रिटायर्ड हर्ट हो जाए अब अपनी दहाड़ नहीं भूलता और उनका जो रॉब है वो कभी नहीं जाता और वो आपको देखने को मिलेगा, भले वो आज थोड़े से हेल्थ वाइज थोड़े से डाउन है लेकिन जब रोल रोलिंग एक्शन होता है तब आप देखेंगे शेर अपनी दहाड़ मारता ही है। ओके, एंड लास्टली ऑडियंस को क्या कुछ बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? ये कबड्डी पे थोड़ी सी चोट लगी। आई जस्ट वुड लाइक टू से दैट थैंक यू सो मच आपके कंटिन्यूड लव एंड सपोर्ट के लिए, आप ही की वजह से हमारा शो वापस आया है, तो बस इसी तरीके से हमें हमारे सीजन 2 को प्यार देते रह गया और सिर्फ हमें नहीं ये रिश्ता को भी, ऑफकोर्स टू ऑल ऑफ अस प्लीज़ प्यार देते रहिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू वॉच प्रतिज्ञा ऑन स्टार भारत from 15th March, Monday to Friday at 8:30 PM and ye rishta of course at 9:30 PM on Star Plus. Thank you so much.